तो हे गाइस, आ चुके हैं हम वापस हमारे एक और पावर पैक वीडियो के साथ। और अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू गेम प्लेइंग। क्या होती है गेम प्लेइंग, कैसे इसको यूज किया जाता है, मल्टी एजेंट गेम प्लेइंग क्या होती है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी गेम प्ले के हर पहलू को हम समझेंगे। क्या होते हैं मिन मैक्स एल्गोरिथम, क्या होता है अल्फा बीटा प्रूनिंग, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, समझेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू गेम प्लेइंग होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गेम प्लेइंग बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है आपका मिन मैक्स एल्गोरिथम और एक होता है आपका अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जो मिन मैक्स एल्गोरिथम होता है उसके अंदर आपका होता है बैक ट्रैकिंग। देखो, होता यह है कि मिन मैक्स एल्गोरिथम में हम चूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। पूरा खेल होता है मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर। देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि भाई दो तरह के एल्गोरिथम देखने वाले हैं, मिन मैक्स और अल्फा बीटा प्रूनिंग। फटाफट से देखो, मिन मैक्स एल्गोरिथम नाम ही बता रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ये तो नाम ही बता ही रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यही है कि इट इज़ अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। और सबसे तगड़ी बात क्या है, इट्स अ बेस्ट मूव स्ट्रेटजी यूज। यानी इसके अंदर ये होता है कि जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, मैक्स विल ट्राई टू मैक्सिमम इज यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई प्लेयर है तो वो तो यही चाहेगा ना कि वो मैच को जीते। ठीक है भाई, अगर कोई प्लेयर है तो वो क्या चाहेगा कि वो मैच को जीते, यानी मैक्सिमम चांसेस वो ला सके जिससे वो मैच को जीत सके। ठीक है, और अगर कोई गेम है, अगर सपोज कोई गेम या आप कह सकते हो अगर सीपीयू खेल रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि ये गेम हारे, तो वो चाहेगा मिनिमाइज करना और ये चाहेगा उसको मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो देखो इसमें ये होता है, जैसे सपोज एक ट्री आपके सामने आ चुका है, तो देखो इस ट्री का क्या फंडा है वो बता देता हूँ तुम लोगों को। जैसे ए आपका ट्री है, मतलब ये आपका पूरा एक ट्री दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ मैक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, अब इसके अंदर माइनस एट और थ्री में से आप चूज करोगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, माइनस थ्री और एट में से आप क्या चूज करोगे, मैक्सिमम वैल्यू को आप चूज करोगे। तो माइनस एट और ये थ्री में से कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू, थ्री है, तो आपने यहाँ पर थ्री लिख दी। अब माइनस थ्री और माइनस वन में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन है, वो लिख दी। टू और वन में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टू है, वो आपने लिख दी। माइनस थ्री और फोर में जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर, वो आपने यहाँ लिख दी। अब आप क्या करोगे, ये सब करने के बाद अब आप करने वाले क्या हो यार, आप अब ये देखोगे कि यहाँ पर अब अगला जो चांस है वो मिनिमम वाला खेल रहा है। ठीक है, अगला जो चांस है वो मिनिमम वाला खेल रहा है। तो अब क्या होगा, अब आपको थ्री और माइनस वन में से मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। अब थ्री और माइनस वन में से मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी माइनस वन, तो आपने वो यहाँ पर चूज कर ली। अब टू और फोर में से मिनिमम वैल्यू क्या होती है, टू, तो आपने वो चूज कर ली। लेकिन अब अगला वाला वापस क्या करेगा, उसको मैक्सिमाइज करेगा। तो माइनस वन और टू में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होती है, कि हाँ भाई टू होती है, कि आपने टू ले ली। तो हमारा जो बेस्ट पॉसिबल रूट हो गया वो क्या हो गया, बेस्ट पॉसिबल हमारा रूट हो गया ये वाला। तो आई होप आप समझ गए होंगे मिन मैक्स एल्गोरिथम को। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। आप समझ गए ना मिन मैक्स एल्गोरिथम क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ये होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मिनिमम आपने देखा था, BFS DFS भी आपने जब देखा था, और उससे पहले जब आपने इटरेटिव डीपनिंग सर्च देखा था, आपने बेस्ट फर्स्ट सर्च देखा था, आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखा था, उस चीज़ के अंदर क्या था कि हर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, बिग ओ ऑफ डी रेस टू द पावर ऑफ डी, जिसके अंदर डी आपका क्या था, डी आपका था डेप्थ और बी आपका होता है ब्रांचिंग फैक्टर। बी क्या होता है, ब्रांचिंग फैक्टर। तो ये समझ में आ चुका होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाला है अल्फा बीटा प्रूनिंग। अब अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या होता है, अल्फा बीटा प्रूनिंग बेसिकली जो मिनमैक्स एल्गोरिथम हमने किया उसके अंदर अब हमने एक दिक्कत थी मिनमैक्स एल्गोरिथम में, वो ये थी कि अब हमें क्या था कि यार अब एक बात बताओ, ये रूट हमारे काम का, बट क्या ये रूट हमारे काम का है मिनमैक्स एल्गोरिथम में, नहीं है। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या करता है कि ये जो काम के जो रूट काम के नहीं आ रहे उसको पहले से प्रून कर देता है, यानी उसको हटा देता है, जिससे हमारे सिस्टम का टाइम बच सके उस जगह पे जाने के लिए। समझ लो, जहाँ एक्चुअली में वो सिस्टम भाई जिसका कोई मतलब ही नहीं, वहाँ जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट करे, क्यों अपनी स्पेस खर्च करे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमारा आया, टाइम और स्पेस को बचाने के लिए आपका आया अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग जो अननेसेसरी नोड्स होता है उसको क्या कर देता है, प्रून कर देता है, उसको क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो यहाँ देखो, वी विल फाइंड द बेस्ट पाथ देन वी विल प्रून द रेस्ट ऑफ द पार्ट। इसका मतलब क्या है भाई, अगर बेस्ट पार्ट मिल गया तो उसको रख लेंगे, और जो बेकार पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे, यानी उसको खत्म कर देंगे।
अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अल्फा वैल्यू होती है हमेशा मैक्सिमम के लिए और बीटा वैल्यू होती है इसमें मिनिमम के लिए। क्या इतना समझ में आ गया? अल्फा वैल्यू होती है मैक्सिमम के लिए और बीटा वैल्यू होती है मिनिमम के लिए। तो देखो अब करना कुछ भी नहीं है, सिंपल ये ट्री है या अल्फा बीटा वगैरह सब लिखा हुआ है या मिनमैक्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर वही प्रोसीजर करना है जो अपन ने पहले किया था। यहाँ देखो हमें क्या करना है, जैसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, 304 में से मिनिमम 3 होती है, 201 में से मिनिमम अपनी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अगर ये 3 ना, लेकिन आपको पहले ये नहीं निकालनी, अब आप क्या करोगे, ये अपन ने तो मिनिमम मैक्सिमम कर देते, लेकिन अब यहाँ पर हमारी सिंप्लिसिटी क्या हुआ मैं बताता हूँ। देखो अगर मेरी ये वैल्यू 3 आ गई तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर वाली वैल्यू है जो मैक्स है, अब एक बात बताओ, अब जो मैक्सिमम की वैल्यू है, देखो अगर मेरा बीटा 3 आ गया मिन के अंदर, तो मेरी मैक्सिमम की वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से ज्यादा होगी, करेक्ट है ना, या तो 3 है या 3 से ज्यादा होगी, यही होगा, क्योंकि देखो अगला जो है मेरा मैक्सिमम है, तो या तो वो 3 होगी या 3 से ज्यादा होगी। और आप यहां देख लो कि अगर यहां पर नीचे वैल्यू 2 या 1 है तो आप तो इसको क्या कर सकते हो, प्रून कर सकते हो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात भाई, जो मेरे वैल्यू ही काम की नहीं उसको मैं क्यों रखूं, क्लियर है या नहीं बात, तो आप उसको प्रून कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अब देखो 7 और 8 में से क्या है, अब इससे पहले भी आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर लेके जा सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर 3 आ गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 है, अब आगे मिन चूज करना है, तो या तो 3 हो गया, 3 से छोटी होगी भाई, या तो 3 होगी, x आपका 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर होगा, क्लियर है। तो आपने यहाँ पर चेक कर लिया भाई कि भाई इसके अंदर अब आए, अब आपने कहा 7 और 8 में से क्या होता है, 7 और 8 में से मिनिमम वैल्यू 7 होती है, यानी ये जो वैल्यू होगी या तो 7 हो गया, 7 से बड़ी होगी, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आके आपने कहा यार चलो ठीक है यहाँ पर 9 तो आ ही रहा है, तो हमने क्या बोला आगे 9 को लेके चले गए, क्योंकि वो 7 से बड़ी आ गई, तो ठीक है। बट अब आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या था, या तो 3 होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, बट यहाँ तो 9 आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस पूरे को ही क्या कर दिया, प्रून कर दिया। समझ गए? अब यहां पर अपना क्या आ रहा है आंसर, ढंग से देखना, यहां अपना आंसर आ चुका है 3। अब आगे मैक्स है, तो आगे क्या होगा मैक्स, या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो 2 और 11 दिया हुआ है, 2 और 11 में से हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, यानी जो ये आएगा वो क्या आएगा यार, 2 आएगा, 2 से बड़ा आएगा भाई, यहाँ जाते 2 आएगा, 2 से बड़ा आएगा। अब यहाँ मेरे को 12 दिख गया, तो चलो यहाँ पर अपना 12 आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, अब ये 12 आया तो इसका मतलब ये 12 होगा, 12 से छोटा होगा, ठीक है, ये 12 होगा, 12 से छोटा होगा, ये चीज़। अब यहाँ देखो, ये 12 होगा, 12 से छोटा होगा, अब यहाँ हमने देखा कि भाई ये कितना है, ये 14 और 9 दिया हुआ है, 14 और 9 में से मिनिमम 9 जाएगा, यानी ये जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, वो या तो 9 होगा या 9 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे को 9 से बड़ा 16 मिल रहा है, और यहाँ मेरे को 12, अब देखो ये 16 आ गया, ठीक है, और ये 12 है यहाँ पर, तो एक लॉजिक मेरे को बताओ, ये आगे वाला मिनिमम तो ये तो 12 ही चूज करेगा ना, 16 तो ना चूज करेगा, तो ये हमने पूरा का पूरा ही क्या कर दिया, प्रून कर दिया। अब यहाँ पर अगर 12 आ गया तो आगे तो क्या करना है, वापस मेरे को मैक्सिमम चूज करना था, 3 या 3 से बड़ा, तो यहाँ मेरा 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? तो ऐसे करके आपको क्या करना है, प्रून करते जाना है, जो अननेसेसरी टर्म्स है उसको प्रून करना है, जो आपके लॉजिकल नहीं है, और जो लॉजिकल है उसको आपको रखना है। समझ में आ गई बात? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हाफ हो जाती है, वी गो ऑफ बी डी बाई 2 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम आधे से ज़्यादा ट्री को तो प्रून ही कर देते हैं। समझ गए? अब आता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक गेम्स। अब देखो, एसिमेट्रिक गेम्स वो गेम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, गेम्स इन विच ईच प्लेयर हैज अ डिफरेंट यूजुअली कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, यानी आपका जो हर खिलाड़ी होता है, जो भी आपका खिलाड़ी होता है, हर खिलाड़ी होता है, वो सबका क्या होता है, गोल क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो फाइनल गोल होता है वो अलग अलग होता है। समझ गए? तो द गेम्स इन विच द ईच प्लेयर हैज अ डिफरेंट यूजुअली कॉन्फ्लिक्टिंग फाइनल गोल, यानी जिसका फाइनल गोल क्या ना हो, सेम ना हो, कॉन्फ्लिक्टिंग हो, तो ऐसे गेम को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। लेकिन वो गेम, ठीक है, वो गेम हो गया जिसके अंदर सबका गोल अलग अलग है, तो वो सिमेट्रिक है। बट अगर यहाँ पर आपका गोल क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है, यानी सेम है, कॉन्फ्लिक्टिंग एक्चुअली सेम को बोलते हैं, मैं थोड़ा मिस्टेकन हो गया यहाँ पर। तो देखो, वो गेम्स जिसके अंदर हर प्लेयर का गोल सेम है, तो वो आपका एसिमेट्रिक है,
और वो गेम जिसमें हर इंसान का गेम अलग अलग है वो सिमेट्रिक है, समझ गए? ठीक है, अब आता है कोऑपरेटिव गेम और नॉन कोऑपरेटिव गेम। अब नॉन कोऑपरेटिव गेम वो गेम होता है, वो गेम जो आपका हर प्लेयर खेलता है खुद के साथ, ठीक है, वो नॉन कोऑपरेटिव गेम है। लेकिन कोऑपरेटिव गेम वो गेम होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्लेयर खेलता है जिससे वो क्या कर सके, फाइनल गोल को रीच कर सके, समझ गए? और उसके लिए वो क्या करता है, अलायंस को बिल्ड करता है। क्या करता है, अलायंस, जैसे तुमने पबजी खेला होगा। पबजी एक नॉन कोऑपरेटिव गेम नहीं है, इसमें आप अकेले नहीं हो, क्या है ना कि आप खुद के साथ ही खेल रहे हो, बट आप ये कह सकते हो कि भैया आपने जो टेकन वगैरह खेला जिसमें आप कंप्यूटर वगैरह के साथ खेलते हो, जिसमें आप कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप खुद के साथ ही खेलते हो, ठीक है, ये जो गेम्स होते हैं ये नॉन कोऑपरेटिव गेम्स होते हैं। बट जिसमें आप अलायंस या ग्रुप बिल्ड करके खेलते हो, जैसे वैलोरेंट हो गया, तो आप वैलोरेंट में क्या करते हो, एक ग्रुप बनाते हो, अलायंस बिल्ड करके खेलते हो जिससे आप फाइनल गोल को रीच कर सकते हो, यानी आप वो मैच जीत सको। तो ऐसे गेम्स को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव गेम्स। क्लियर है? तो सिमेट्रिक जो आपके गेम्स होते हैं वो कौन से गेम होते हैं, वो गेम जिसमें सारे गोल्स अलग अलग हो। एसिमेट्रिक होते हैं जिनमें सबके गोल्स आपके सेम हो। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स वो जिसमें आप खुद के साथ खेलते हो। कोऑपरेटिव गेम्स यानी वो गेम्स जो आप फाइनल गोल अचीव करने के लिए एक अलायंस बिल्ड करके खेलते हो। समझ में आ गया? अब आता है नैश इक्विलिब्रियम। देखो, नैश इक्विलिब्रियम एसेंस है गेम थ्योरी का। नैश इक्विलिब्रियम क्या है, नैश इक्विलिब्रियम आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, आप ये कह सकते हो अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीपल प्लेयर्स इन द गेम। यानी जब सारे लोग, अब ये कह सकते हो कि जितने भी मल्टीपल प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं वो सब जब एक पॉइंट पे आ जाते हैं, मल्टीपल प्लेयर ऑफ द गेम केवल एक पॉइंट पे आ जाते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जो भी मल्टीपल प्लेयर्स है गेम का वहाँ पर कोलैबोरेट करते हैं, वो होता है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेस्ट सिक्स का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि पबजी में स्पॉन होने से पहले एक लोकेशन आती है, वहाँ पर सारे प्लेयर्स होते हैं, कोई डांस कर रहा होता है, कोई पता नहीं क्या कर रहा होता है जब स्पॉन होते हैं वो, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक नैश इक्विलिब्रियम की तरह आप एग्जांपल समझ सकते हो। यानी एक वो पॉइंट जहाँ पर कोलैबोरेशन होता है किसका, मल्टीपल गेयर्स का गेम्स के अंदर जो है, समझ रहे हो? नैश इक्विलिब्रियम एक गारंटी करता है मैक्सिमम प्रॉफिट, हर प्लेयर को क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। समझ में आ गया नैश इक्विलिब्रियम कि एक एसेंस है गेम थ्योरी का, ये वो पॉइंट है जहां पर सारे प्लेयर्स क्या होते हैं, कोलैबोरेशन में आते हैं और एक इक्विलिब्रियम में आते हैं। क्लियर है? और नैश इक्विलिब्रियम आपको गारंटी प्रॉफिट देता है, हर प्लेयर का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये वो नैश इक्विलिब्रियम बोलता है। तो ये चीज क्लियर है? तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ऑटोमेटेड प्लानिंग के बारे में, क्या होती है ऑटोमेटेड प्लानिंग। तो ये थी वीडियो गेम थ्योरी के बारे में, आई होप आपको समझ में आई होगी गेम थ्योरी, जो बेसिक हमने वन शॉट रिवीजन अभी किया है गेम थ्योरी का। अब हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग के बारे में, क्या होती है ऑटोमेटेड प्लानिंग और कैसे इनको की जाती है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ।